शनिवार को बिलासपुर के कंदरौर के समीप एक हादसा तब सामने आया जब ओवरटेक कर रही एक कार पेड़ से जा टकराई और इस दुर्घटना में कार चालक की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं कार चालक हमीरपुर के भोरंज विधानसभा क्षेत्र के डुंगरी गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार 57 वर्षीय लेखराम हमीरपुर के नायब तहसीलदार के पद पर कार्यरत था और बिलासपुर में एडमिट अपनी बहू की डिलीवरी के बाद पोती और बहू को लेने जा रहा था कि कंदरौर के पास दुर्घटना का शिकार हो गया। वहीं ही हादसे की जानकारी मिलते ही डुंगरी गांव में मातम पसर गया। वहीं कार चालक की मौत के बाद बिलासपुर अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद शव को उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। लेखराम शर्मा जी नाम थे इनका और ये हमीरपुर में तैनात थे। किस पद पे थे ये? नए तहसीलदार के। अच्छा, क्या हादसा हुआ फिर यहाँ? ये सुबह गए थे घर से, इनकी जो बहू है उसके डिलीवरी हुई थी जी। तो उनको लाने के लिए जा रहे थे, तो अब यहाँ से गए थे तो अभी हमें भी पता नहीं है प्रॉपर कि वहाँ पे रास्ते में क्या हुआ, उनके साथ गाड़ी लेके गए। सुनने में तो ये आ रहा है कि कंदरौर के पास एक्सीडेंट हुआ है, पर अभी पूरी जानकारी नहीं है इसके बारे में। हमारे भाई है, ब्रदर जी। नाम क्या है? लेखराम जी। कहाँ पोस्टिंग की? हमीरपुर। नायब तहसीलदार। किस पद पर थे? नायब तहसीलदार। क्या हुआ था आज ये हादसा जो हुआ है? ये सारे सुबह से यहाँ अपने बहू को लेने गए थे, बच्चे और डिलीवरी थी, और रास्ते में पता नहीं अब क्या हुआ, उसके आगे का पता तो नहीं हमें, लेकिन यहाँ से सुबह 8 बजे घर से निकले हैं। सुना ऐसा एक्सीडेंट हुआ भाई, तो उनकी डेथ हो गई। हाँ जी। एन स्टार न्यूज़ के लिए बिलासपुर से मुनीश पटियाल की रिपोर्ट।